दोस्तों आज का प्लान है 25 फीट इंटू 35 फीट, ये 97 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 875 स्क्वायर फीट। इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 9 लाख पर यूनिट। फ्रंट साइड में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन है 25 फीट, इस साइड का डायमेंशन 35 फीट, बैक का डायमेंशन 25 फीट और इस साइड का डायमेंशन 35 फीट। ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। इस प्लान में सबसे पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान के डायमेंशन से। ये फ्रंट साइड में रोड है, यहाँ मेन गेट दिया हुआ है। इस मेन गेट से जब हम लोग इन करेंगे तो यहाँ स्टेयर एरिया आ जाएगा। इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 6 फीट, इस साइड का डायमेंशन 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट है। इस स्टेयर में एक विंडो दिया गया है फ्रंट साइड में रोशनी के लिए, एक विंडो अंदर साइड में डाइनिंग स्पेस में दिया हुआ है वेंटिलेशन के लिए और ये डोर है अंदर जाने के लिए। इस स्टेयर में यहाँ से आप होना स्टार्ट होंगे, यहाँ फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे। इसी लैंडिंग के नीचे में यहाँ पे मेन गेट लगा हुआ है, इसके बाद और अप होंगे तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। इस स्टेयर एरिया से जब हम लोग यहाँ से इन करेंगे तो यहाँ डाइनिंग स्पेस मिलेगा। इसका डायमेंशन है, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 13 फीट 4 इंच, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है 13 फीट 8 इंच, एक डायमेंशन यहाँ दिया गया है। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग जब इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक गेस्ट रूम दिया है, इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 9 फीट 7 इंच, इस साइड का डायमेंशन 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 7 इंच। एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है गेस्ट रूम में। इस गेस्ट रूम के साथ हमने यहाँ पे सेपरेट बाथरूम दिया है, ये सेपरेट बाथरूम है। इसका डायमेंशन है 4 फीट 10 इंच इंटू 5 फीट 8 इंच, इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 10 इंच और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट 8 इंच है। एक वेंटिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है इस बाथरूम में, ये डोर है इस बाथरूम का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग जब इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक रूम दिया है, इसका डायमेंशन है 12 फीट इंटू 7 फीट 9 इंच, इस साइड का डायमेंशन 12 फीट और इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 9 इंच। इस रूम में एक विंडो इस साइड में दिया गया है और एक विंडो फ्रंट साइड में दिया गया है, ये डोर है इस रूम का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 6 फीट 7 इंच इंटू 4 फीट, इस साइड का डायमेंशन 6 फीट 7 इंच और इस साइड का डायमेंशन 4 फीट है। एक वेंटिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे इस बाथरूम में, ये डोर है इस बाथरूम का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने यहाँ पे एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, इस वॉश बेसिन का एरिया जो है इसका डायमेंशन है 4 फीट 5 इंच इंटू 3 फीट, यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है। इस डाइनिंग स्पेस से जब हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक बेडरूम दिया है, इसका डायमेंशन है 11 फीट 4 इंच इंटू 7 फीट 9 इंच, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 7 फीट 9 इंच। इस बेडरूम में यहाँ पे एक विंडो दिया गया है और एक विंडो इस साइड में दिया गया है, ये डोर है इस बेडरूम का। इस डाइनिंग स्पेस के साथ हमने इस साइड में किचन दिया है, यहाँ किचन है, इसका डायमेंशन है 8 फीट इंटू 6 फीट, इस साइड का डायमेंशन 8 फीट और इस साइड का डायमेंशन 6 फीट। इस किचन में एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है बैक साइड में, ये ओपन डोर दिया गया है इस किचन का। इस डाइनिंग स्पेस से हम लोग इस साइड आएंगे तो यहाँ मैंने एक और बेडरूम दिया है, इसका डायमेंशन है 11 फीट 4 इंच इंटू 9 फीट 7 इंच, इस साइड का डायमेंशन 11 फीट 4 इंच और इस साइड का डायमेंशन 9 फीट 7 इंच। इस बेडरूम में एक विंडो बैक साइड में दिया गया है और इस बेडरूम में एक विंडो इस साइड में भी दिया गया है, ये डोर है इस बेडरूम का। इस बेडरूम के साथ भी हमने यहाँ पे एक सेपरेट बाथरूम दिया है जिसका डायमेंशन है 4 फीट 9 इंच इंटू 5 फीट 8 इंच, इस साइड का डायमेंशन 4 फीट 9 इंच और इस साइड का डायमेंशन 5 फीट 8 इंच। इस बाथरूम में यहाँ पे डोर दिया गया है और इस साइड में एक वेंटिलेशन दिया गया है। इस प्लान में सभी वाल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। ये था ग्राउंड फ्लोर का प्लान। हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर का जो डायमेंशन है वही सेम डायमेंशन फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक रहेगा। इस प्लान में आपको मिलता है यहाँ पे सेपरेट स्टेयर, यहाँ पे गेस्ट रूम मिल जाता है और इस गेस्ट रूम के साथ यहाँ पे एक सेपरेट बाथरूम मिलता है, इस साइड में एक रूम मिल जाता है, यहाँ डाइनिंग स्पेस मिलता है, इस डाइनिंग स्पेस के साथ यहाँ पे कॉमन बाथरूम मिल जाता है, एक वॉश बेसिन का एरिया मिल जाता है यहाँ पे, इस साइड में एक किचन मिलता है, यहाँ पे एक बेडरूम मिलता है,
यहाँ पे एक और बेडरूम मिलता है और इस बेडरूम के साथ भी यहाँ पे सेपरेट बाथरूम मिल जाता है। दोस्तों ये था 25 फीट इंटू 35 फीट का हाउस प्लान। उम्मीद है आपको ये प्लान भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।